रोड का गाड़ी तो भैया रोड में कहीं भी 0-25 में दिख गया, 60 में जो दिखेगा उसका चौड़े उधर देंगे हम। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। थाना ना कंप्लेन करेगा, मेरा पैसा नहीं देगा तो थाना क्या कर लेगा, काट लेगा हमारा। देखते हैं कल आने के लिए बारात से वापस आ रहे हैं, इसके बाद हम बताएंगे, जो दिखेगा उसी को मारेंगे। ठीक, मैं बोल दे रहा हूँ, बंद करेगा। अब आप लोग को यहाँ से अब जाना पड़ेगा। प्रबल जी एक है, उसी गांव के रहते हैं, बगड़िया के। उन्होंने गाड़ी रुकवाया और डरा धमका कर ड्राइवर से चाबी लेकर पिकअप को अपने बाउंड्री के अंदर रखवा दिया। फोन में मेरा रिकॉर्डिंग भी है, सुनिए। तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भैया, हम उड़ा के मारेंगे चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, हम जा रहे हैं, ये जान लीजिएगा। ठीक, ये चीज सबको बता दीजिए, और नहीं तो प्रॉपर तरीका से पानी मार के ढीला करिए, इसके बाद कोई काम करेगा रोड। क्या और है, क्या और है, इसके बाद कोई काम करेगा रोड का गाड़ी तो भैया रोड में कहीं भी 0-25 में दिख गया, 60 में जो दिखेगा उसका चौड़े उधर देंगे हम। धुरकी नगर उटारी आंबा खोरिया सड़क निर्माण करा रहे एनजी प्रोजेक्ट लिमिटेड के पिकअप वैन सहित 800 लीटर डीजल की हुई लूट। धुरकी से नगर उटारी आंबा खोरिया पथ मजबूतीकरण सह चौड़ीकरण का कार्य करा रहे एनजी प्रोजेक्ट लिमिटेड के पिकअप वाहन सहित उसमें लोड किया गया 800 लीटर डीजल व अन्य जरूरी दस्तावेज को निर्माणाधीन सड़क स्थित बरडीहा गांव से मंगलवार को एक व्यक्ति के द्वारा दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में सड़क ठेका कंपनी एनजी प्रोजेक्ट लिमिटेड के साइड मुंशी व भुक्तभोगी समरजीत पांडे ने बताया कि गढ़वा से ठेका कंपनी के पिकअप वाहन में ड्राम में भरकर 800 लीटर डीजल लेकर धुरकी जा रहा था, तभी बरडीहा गांव में प्रबल प्रताप देव के द्वारा चलते हुए पिकअप वाहन को रोककर चालक से चाबी छीनकर पिकअप पर लदा हुआ डीजल सहित अन्य दस्तावेज लूट लिया गया और अपने घर लगा दिया गया है। भुक्तभोगी मुंशी ने बताया कि इस संबंध में उसने अपने मालिक को सूचना किया, इसके बाद थाना में उपरोक्त घटना के संबंध में लिखित आवेदन दे दिया है। भुक्तभोगी ने कहा कि वह इस घटना से काफी भयभीत है और प्रबल प्रताप देव के द्वारा सड़क में काम नहीं लगाने सहित गाली गलौज करते हुए धमकी भी दिया है, जिसका कॉल रिकॉर्ड भुक्तभोगी ने लिखित आवेदन के साथ थाने में दिया है। इधर ठेका कंपनी के पिकअप वाहन सहित 800 लीटर डीजल के अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज का लूट की घटना के अंजाम देने के बाद ठेका कंपनी के सभी कर्मी दहशत में है। हमारे साथ गढ़वा से डीजल लाने के क्रम में, कहाँ ला रहे थे डीजल? वो साइट के लिए काम करने के लिए ला रहे थे। किस साइट पर? से आमा खोरिया के रोड बन रही है। क्या हुआ उसके बाद? उसके क्रम में परवल जी एक है, उसी गांव के रहते हैं, बगड़िया के। उन्होंने गाड़ी रुकवाया और डरा धमका कर ड्राइवर से चाबी लेकर पिकअप को अपने बाउंड्री के अंदर रखवा दिया। 800 लीटर डीजल था और कुछ कागज पत्र था साइट का। तो आपने नहीं पूछा कि आप मेरा गाड़ी क्यों जब्त कर रहे हैं आप? मैंने उनसे पूछा तो बोले कि मालिक से आप अपना बात कर लीजिए। तब उसके बाद उस गाड़ी में हमारा दो नया ट्रैक्टर का गाड़ी का चाबी भी था और वो ड्राइवर को थोड़ा सा धमका कर कि आप गाड़ी लगाओ और यहाँ से निकलो और साइट पर नजर मत आना। तब क्या हुआ? उसके बाद मैंने साइट पर अपना आया जहाँ प्लेटफार्म पे काम चालू होती है हमारी, वहाँ से आकर अपने मालिक को इन्फॉर्मेशन दिया कि इस तरह का घटना घटा है। उसके बाद से हमारे सारे स्टाफ और हम दस्तक में। क्या नाम है आपका? समरजीत पांडे। हमारे समरजीत पांडे मुंशी यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हमारा गाड़ी जो है सो डीजल से भरा हुआ 800 लीटर पर बलदेव घर के पास अपना रुक करके और डरा धमका करके लगवा लिए और हम लोगों को वहां से भगा दिए और बोले हैं कि काम करोगे आज के बाद तो जान से मार देंगे। रोड का काम बंद करने के लिए? हाँ, रोड का काम बंद करने के लिए। टोटल काम आपका बंद है या चालू है? टोटल काम आज के दिन में बंद है। इसके बाद क्यों बंद किया आप लोग? डर से कोई स्टाफ ही नहीं है हमारा और स्टाफ भाग गया और जो भी स्टाफ है उनको मैं अपने रूम पे रखा हूँ। उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर है अशोक कुमार जी, उनको उन्होंने 10:30 बजे फोन करके धमकी दिया कि कल से अगर रोड का काम करोगे और रोड में दिखोगे तो मार के चमड़ी उधेड़ देंगे, कोई दिखना नहीं चाहिए। तब से सारे स्टाफ दहशत में है और कोई भी काम नहीं हो रहा है। फोन रिकॉर्डिंग है जो धमकी दी? हाँ, फोन में मेरा रिकॉर्डिंग भी है, सुनाइए। तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भैया, हम उड़ा के मारेंगे चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, हम जा रहे हैं, ये जान लीजिएगा। ठीक, ये चीज सबको बता दीजिए और नहीं तो प्रॉपर तरीका से पानी मार के ढीला करिए, इसके बाद कोई काम करेगा रोड। फिर सर भाई करके सुनाइए, फिर से शुरू से सुनाइए, शुरू से करके सुनाइए। ठीक है, हम जा रहे हैं। ठीक, मेरा पैसा नहीं देगा तो थाना क्या कर लेगा, काट लेगा हमारा। देखते हैं कल आने के लिए बारात से वापस आ रहे हैं, इसके बाद हम बताएंगे, जो दिखेगा उसी को मारेंगे। ठीक है,
अब आप लोग को यहाँ से अब जाना पड़ेगा, बैग हम चल जाइए, जा रहे जा रहे, कोई भी यहाँ काम नहीं कराएगा ना तो बड़ी मार मारेंगे हम, यहाँ लीजिएगा कोई हो तो कोई हो। ठीक है, ये कौन धमकी दिए हैं? ये प्रबल प्रताप देव हैं। किसको धमकी दिए हैं? ये अशोक जी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। कहाँ हैं वो? ये अभी तो हैं कहीं साइड में होंगे, ढलाई चल रहा है हमारा। ठीक, उस साइड में उधर गए होंगे।